हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करूंगा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंसर्स। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ज्यादातर सारे सेंसर्स में कवर अप करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब हजारों सेंसर्स है तो फिर मेरे पार्ट टू और पार्ट थ्री के लिए वेट करना। तो मैं कुछ सेंसर्स में सारे सेंसर्स अपने पार्ट्स में नहीं कवर अप करूंगा, तो कुछ जो मेन मेन सेंसर्स है वो इसमें वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको पार्ट टू का नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को जो है वो क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सेंसर्स में बहुत सारे जो प्रकार है वो आते हैं। इधर मैंने कुछ प्रकार रख दिए हैं, तो हम कुछ सेंसर्स के जो प्रकार है उसको, जो टाइप्स है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला जो है सेंसर, उसको मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो इसका नाम है IR, इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्शन सेंसर। ये जो है वो फ्लेम और लाइट दोनों को डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से आउटपुट दे देता है। ये जो पोटेंशियोमीटर है उसको एडजस्ट करने के लिए, और इसमें एक लाइट है पावर की और एक आउटपुट की है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसका जो डेफिनेशन है, IR, इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्शन सेंसर मॉड्यूल डिटेक्ट फायर फ्लेम सेंसर फॉर ऑर्डिनो। फायर, और यहाँ पे मैंने लाइट को भी लिख दिया है, फायर और लाइट दोनों को ये डिटेक्ट करता है। फिर फ्लेम डिटेक्शन सेंसर मॉड्यूल इज सेंसिटिव टू फ्लेम बट ऑल्सो कैन डिटेक्ट ऑर्डिनरी लाइट। यानी ये लाइट को भी डिटेक्ट कर सकता है और फ्लेम को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो ये भी जो सेंसर है वो बहुत चीजों में यूज हो सकता है। फायर अलार्म बना सकते हैं हम इससे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंसर है वो एक्सेलेरोमीटर मॉड्यूल। ये भी एक सेंसर की कैटेगरी में आया। तो ये एक्स वाई जेड तीन एक्सिस को, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं जितना भी एक्सेलरेशन है उसको ये सेंस कर सकता है। यानी अपने आगे की, आप ऐसा कोई आपके फोन में भी एक्सेलेरोमीटर मॉड्यूल या फिर सेंसर होता है, तो आप जब गेम्स खेलते हो, जैसे हमने गाड़ी का फॉर एग्जाम्पल ले लिया, गाड़ी का जो गेम्स खेलते हो तो उसमें ये प्रयोग होता है, उसमें ये यूज होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो सेंसर है उसके बारे में देख लेते हैं, नेक्स्ट जो मॉड्यूल है। तो नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर मॉड्यूल। तो जैसा यहाँ पे लिखा है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर मॉड्यूल इज अ सेंसर दैट कैन डिटेक्ट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यानी ये जो सेंसर है हमारा, ये टेम्परेचर को भी डिटेक्ट कर सकता है और ह्यूमिडिटी को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस और एक आउटपुट का है पिंस। तो ये इसमें समझने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ये ऑर्डिनो पे कनेक्ट कर देना है तो ये उस हिसाब से अपना ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बताएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो सेंसर है उस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मेटल सेंसर है। मेटल सेंसर आपने देखा होगा, एयरपोर्ट वगैरह में जाते हो तो वहां पे भी इसका प्रयोग होता है। वहां पे जो मशीन रहती है जो हाथ से वो चेक करते हैं सिक्योरिटी, वो जो मशीन होती है उसके अंदर ये जो है ये पार्ट होता है। मॉड्यूल मैं नहीं कहूंगा, कोई उसमें अरे अलग सर्किट होता है, लेकिन ऐसा ही ये मेटल सेंसर मिलता है उसके अंदर। तो ये मेटल सेंसर मॉड्यूल इज अ सेंसर दैट विच कैन डिटेक्ट अ मेटल एंड गिव्स आउटपुट। तो ये मेटल को सेंस कर सकता है कि आपने मेटल रखा है कि नहीं उसके सामने। तो अभी हम नेक्स्ट सेंसर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंसर है वो है कलर सेंसर मॉड्यूल। तो कलर सेंसर मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूल है वो RGB LEDs को सेंस कर सकता है। तो आप यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कलर सेंसर मॉड्यूल इज बेस्ड ऑन फिर TCS3200 RGB सेंसर चिप। इसके अंदर एक चिप होती है, RGB जो सेंस कर सकती है वो चिप होती है। एंड फोर वाइट LEDs, ये फोर वाइट LEDs लगी होती है यहाँ पे, ये सेंस करने के लिए हेल्प करती है। फिर इट कैन डिटेक्ट एंड मेजर अ नियरली लिमिटलेस। तो दोस्तों चलिए अब हम नेक्स्ट सेंसर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंसर है दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी है फिंगरप्रिंट सेंसर मॉड्यूल। तो ये फिंगरप्रिंट को सेंस कर सकता है, फिंगरप्रिंट को स्कैन कर सकता है। तो इसको अगर आप ऑर्डिनो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर में अगर आप कनेक्ट करते हो, तो हमने ऑर्डिनो ले लिया, अगर आप उसमें कनेक्ट करते हो तो ये जो है आपके फिंगरप्रिंट को सेंस कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फिंगरप्रिंट सेंसर मॉड्यूल डिटेक्ट्स द फिंगरप्रिंट। तो इधर भी मैंने आपको जो है इसका जो मेन मकसद है वो फिंगरप्रिंट को सेंस करना है।
फिर नेक्स्ट जो हमारा सेंसर है वो है जीपीआरएस जीएसएम मॉड्यूल। जीपीआरएस जीएसएम मॉड्यूल क्या करता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अ जीएसएम मॉड्यूल और अ जीपीआरएस मॉड्यूल इज अ चिप और सर्किट। तो ये जो जीएसएम या जीपीआरएस या जीएसएम जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक सर्किट या फिर चिप कह सकते हो वो होता है। दैट विल बी यूज टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन अ मोबाइल डिवाइस और अ कंप्यूटिंग डिवाइस एंड अ जीएसएम और जीपीआरएस सिस्टम। यानी इसके अंदर आप सिम कार्ड डालते हो तो ये क्या है, एस्टेब्लिश कर सकता है कनेक्शन। अगर आप माइक्रो कंट्रोलर में कनेक्ट करके ये जो कनेक्शन है एस्टेब्लिश कर सकता है, आपके मोबाइल को ले लो, मोबाइल में जो कनेक्शन है वो दोनों में कनेक्शन हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो ये जो HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है तो इसके अंदर एक ब्लूटूथ की चिप होती है। जैसे आपने लिखा है HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल इज अ बेसिक सर्किट सेट ऑफ चिप विच हैज इंटीग्रेटेड ब्लूटूथ फंक्शंस। तो यहाँ पे कुछ चिप्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो ब्लूटूथ का जो डेटा है वो रिसीव कर सकती हैं और ट्रांसमिट कर सकती हैं। तो बेसिकली ये एक ब्लूटूथ का जो मॉड्यूल है वो है, इसका HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल नाम है। तो ऑर्डिनो में जब हम कनेक्ट करते हैं तो ज्यादातर हम ये फर्स्ट और लास्ट वाली पिन यूज नहीं करते, बस बीच की जो चार पिन है उसको यूज करते हैं। बीच की चार पिन में RX, TX, VCC और ग्राउंड होता है। अब हम नेक्स्ट जो सेंसर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंसर का नाम है जॉयस्टिक सेंसर मॉड्यूल। ये भी एक बहुत उपयोगी सेंसर, बहुत यूजफुल सेंसर है। इसके अंदर दो पोटेंशियोमीटर होते हैं, एक्स वाई जेड को जो है उस हिसाब से ये जो डिटेक्ट कर सकता है। जैसे अगर आपने ये जॉयस्टिक को आगे किया तो ये जो है आगे की तरफ मूव करेगा, अगर आपने एक रिमोट कंट्रोल कार बनाई है तो उस हिसाब से आपको माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना पड़ता है। तो इसका भी इसमें क्या होता है, दो पोटेंशियोमीटर लगे होते हैं और जैसा आप कंट्रोल करते हो पोटेंशियोमीटर उसी तरफ घूमते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो फोटो डायोड लाइट सेंसर मॉड्यूल है। जो पहला वाला जो था वो था फ्लेम डिटेक्शन मॉड्यूल, जो लाइट को भी कर सकता था, लेकिन ये उससे थोड़ा लाइट के लिए ही सिर्फ बना है। इसके अंदर आगे एक एलईडी जैसा आपको दिख रहा है, उस वाले में क्या था, फ्लेम डिटेक्शन मॉड्यूल वाले में क्या था, उसमें एक आईआर रिसीवर लगा था, इंफ्रारेड रिसीवर लगा था। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। फोटो डायोड लाइट सेंसर मॉड्यूल डिटेक्ट्स द लाइट, एलईडीज इंडिकेट द पावर एंड आउटपुट सिग्नल्स। इसके अंदर से एक वीसीए, तीन पिन है, ये तीन में से एक वीसीसी यानी पॉजिटिव, एक ग्राउंड और एक जो है वो आउटपुट है। तो ये जो है पोटेंशियोमीटर वो सेंस करने के लिए कि कितना दूर तक इसको सेंस करना है, पोटेंशियोमीटर आप एडजस्ट कर सकते हो। इनमें से एक एलईडी पावर की है, जब आप इसको पावर दोगे यानी इसको जब पावर दोगे तो ये क्या होगा, एक एलईडी इनमें से जल जाएगी। फिर जैसे इसको आउटपुट ये देना चालू करेगी, जैसे ये लाइट डिटेक्ट करेगी तो इनमें से एक एलईडी जल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरे जो नेक्स्ट जो पार्ट टू में बनाने वाला हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।